कौमी शायर रामधारी सिंह दिनकर की योम पैदाइश पर बेगूसराय के बारो पंचायत के मिडिल स्कूल में एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। गौरतलब है कि बारो पंचायत का यह मिडिल स्कूल दिनकर की तालीम गाह भी रहा है। यहीं पर उन्होंने अपनी शुरुआती तालीम हासिल की थी, इसीलिए इस स्कूल की अपनी अहमियत है। इस मौके पर एक लाइब्रेरी और म्यूजियम का भी इफ्तिताह किया गया। इस दौरान एनएन न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद आसिफ ओवैस ने कृष्णनंद से बात की तो उन्होंने कहा कि दिनकर की योम पैदाइश मनाने का मकसद उनको आज के दौर में भी यहाँ जिंदा रखना है और नौजवान पीढ़ी को उनकी अहमियत बतानी है। आम तौर पर आज की पीढ़ी इस बात को जानती नहीं है कि दिनकर जैसी शख्सियत ने हमारे बारों में इस स्कूल से तालीम हासिल की थी और यही वो स्कूल है जो दिनकर की पहली तालीमगाह बनी थी। उन्होंने बताया कि आज एक कवि सम्मेलन भी है जिसमें पूरे मुल्क से कवि शामिल हो रहे हैं। उनके साथ ही हमारे नुमाइंदे ने प्रमोद सिंह साहब से भी स्कूल की हालत पर बात की तो उन्होंने कहा कि यहाँ पहले दो मुखिया रहे हैं जिन्होंने स्कूल की इमारत तो तामीर करा दी लेकिन दिनकर की याद में कुछ नहीं किया, लेकिन अभी जो मुखिया हैं उन्होंने उसकी पहल की है और अब दिनकर की योम पैदाइश पर प्रोग्राम मुनक्किद किया जाने लगा है जो एक अच्छी पहल है। इस प्रोग्राम को हर साल मुनक्किद करने से मुकामी आवाम में दिनकर की अहमियत में इजाफा होगा। इस मौके पर एक कवि सम्मेलन भी हुआ जिसमें पूरे मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से कवियों ने शिरकत की। साथ ही दिनकर की जिंदगी पर मुनहसर एक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। प्रोग्राम की सदारत प्रोफेसर अमरेश सांडाल ने की।